सा गर्म हो जाएगा ये ऑयल, फिर इसमें हम शामिल करेंगे अपने मसाले जो हमने रखे हैं। ये ऑयल हमारा गर्म हो गया है, अब इसमें हम पत्ते डाल देंगे और इसमें हम डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट जो हम टेबल स्पून, दो टेबल स्पून लिया है, और जो दो अगर प्याज हमने बारीक पीस के रखी थी ये वो है, और चार मसाला जो हमने तैयार कर लिया है और इसमें शामिल करेंगे। उसको थोड़ा भूनेंगे हम, पत्ते चलाते रहेंगे और ये भुन जाएगा। जब ये ऑयल बिल्कुल ऊपर आ जाएगा, भुन के तैयार हो जाएगा, तो फिर इसमें हम जब ये एक साइड से थोड़े पक जाएंगे तो हम इनको दोबारा से पलटेंगे, हम एक मिनट के लिए कवर कर देंगे। तो सब इसको हम चेक करेंगे, ये देखें एक मिनट हो चुका है, और अब हम इसको उल्टा कर पलट देंगे इसको, ताकि दोनों तरफ से पक जाए। ये देखें एक तरफ से पक चुका है, अब दूसरी तरफ से पकेंगे, इसको हम पलट देंगे। वो आलू है जो हमने अच्छे से काट के, और दही में शामिल करेंगे, और एक गिलास पानी शामिल करेंगे, और तीन चार अदद हरी मिर्च तो हम शामिल करेंगे, और इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। मिक्स होने के बाद फिर हम इसको आलू गलने के लिए कवर करेंगे। तो ये देखें व्यूअर्स, हमने इसको मिक्स कर दिया है, अब हम इसको आलू गलने के लिए कवर करेंगे। तो व्यूअर्स हम चेक करेंगे अपने आलूओं को कि ये गले हैं या नहीं। थोड़ा सा टाइम है इसमें आलू गलने में, इसको हम जो है दो मिनट के लिए और कवर करेंगे। दो मिनट बाद आलू गल जाएंगे, थोड़ा सा कसर है आलूओं में, अभी हम दो मिनट का वेट करेंगे, फिर उसके बाद चेक करेंगे। तो व्यूअर्स देखें, अब हम इसको चेक करेंगे। वाह, ये बनकर तैयार हो गए, कोफ्ते भी गल गए, हमारे आलू भी गल चुके हैं, अब हम इसको चेक करेंगे। ये देखें कितने सॉफ्ट हैं, कितने आसानी के साथ मिल गए, और अब हम इसको डिश आउट करके दिखाएंगे। देखिए ये हमारा चिकन कोफ्ता तैयार हो गया है, और इसमें हमने आलू भी शामिल किए हैं, अब हम इसको हरे धनिया से गार्निश करेंगे। माशाल्लाह देखें बिल्कुल सॉफ्ट बने हमारे कोफ्ते, अब ये हम गार्निश भी कर दिया हमने इसको हरे धनिया से। अब आप देखें मेरी रेसिपी आपको पसंद आती है तो आप फॉलो करिएगा, आप भी बनाइएगा, और मुझे कमेंट्स करिएगा और लाइक करिए अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए।
और नए आने वाले मुझे सब्सक्राइब करें। जज़ाकअल्लाह।